हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विदेशी मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पुष्टि की कि हमारा एक पायलट लापता है और मिग विमान भी क्रैश हो चुका है। सरहद पर तनाव के माहौल के चलते हुए भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली की। भाजपा ने इस चुनावी कैंपेन का वीडियो किया लॉन्च। कमांडर अभिनंदन की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब तक विंग कमांडर अभिनंदन वापस नहीं लाए जाते, तब तक सत्ता में बैठे हुए किसी भी नेता का अभिनंदन या स्वागत नहीं होना चाहिए। कमांडर अभिनंदन की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धू ने कहा कि कमांडर अभिनंदन, आप अकेले नहीं हो, देश एकजुट होकर आपकी सलामती और वापसी के लिए दुआ कर रहा है। मोदी भक्ति में डूबे गोदी मीडिया पर बोले सपा नेता, यह सेना का पराक्रम है, किसी नेता को हीरो ना बनाया जाए। रवीश कुमार ने कहा कि अगर आप भारत में पत्रकारिता को बचाना चाहते हो तो न्यूज चैनलों को देखना बंद कर दें, न्यूज चैनलों को देखना खुद के पतन को देखना है। कमांडर अभिनंदन का वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने मुझे भीड़ से बचाया है, यह सज्जन लोग हैं। पीएम मोदी पर भड़के अखिलेश, बोले जब सैनिक बमबारी का सामना कर रहे हैं तो मोदी खेलो इंडिया ऐप का उद्घाटन कर रहे थे। सरहद पर चलते हुए इस तनाव के चलते एक दूसरे के विमान मार गिराने का दावा करने में लगे हुए हैं भारत और पाकिस्तान। ध्रुव गुप्ता ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं हमारी मीडिया का पागलपन वायु सैनिकों की इस बड़ी उपलब्धि को कोई मजाक बनाकर ना रख दे। सरहद पर तनाव के चलते पूरा देश इस समय यह कह रहा है कि सीमा मजबूत हो, मगर इस समय मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट बैंक मजबूत, उनकी संवेदना मर गई है। देश के लिए कांग्रेस ने CWC मीटिंग टाल दी, मगर मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का विचार बना रहे हैं। देश बड़ा है या बीजेपी? शहीद की मां ने एयर स्ट्राइक पर उठाए सवाल, बोले खाली घरों पर की गई थी बमबारी, कहां मरा कोई आतंकी? शहीद की मां ने एयर स्ट्राइक पर मांगे सबूत। इस बात पर पंखुड़ी पाठक ने मोदी को टिप्पणी करते हुए बोला कि कहीं अब इन्हें भी देशद्रोही मत बोल देना। बहुत ही शर्मनाक बात सामने आई है, पूरा देश कमांडर अभिनंदन के लिए दुआ कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपना बूथ मजबूत करने में लगी हुई है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।